सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टर्न। फ्रेंड्स, आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी MHTCET 2021 की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। यार, आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि आपके फिजिक्स के ऐसे कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए आपको अभी लास्ट मोमेंट पे, कि जो आपको 45 प्लस स्कोर करा देंगे। ओके, मैं सारे टॉपिक्स बता के दिखाऊंगा जिनका वेटेज ज़्यादा है। ओके, पहले तो हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फिजिक्स के, उनका वेटेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और वही आपके आपको पढ़ने हैं। ओके, ये जो जो मैं यहाँ पे बताऊंगा यार, यहाँ पे सब डिस्प्ले करूंगा मैं स्क्रीन पे। ओके, अगर डिस्प्ले करते वक्त आपने नहीं लिखा, ओके, नोटबुक में आपकी कॉपी में नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं, आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, और कुछ अपडेट्स रही तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे और जो भी पढ़ाई की चीज़ें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। ओके, और एक चीज़ यार, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हर एक टॉपिक हम फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कितना वेटेज है उसका, सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, सब चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ के बताने वाला हूँ। जो जो चीज़ें मैं पढ़ूंगा वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होती जाएगी। ओके, तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लो और वहाँ पे लिखो, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सब लिखनी है आपको। ओके, और अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सब चीज़ें मैं अवेलेबल करा दूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं अभी वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार, जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब चीज़ें आपको मिलती रहेगी MHTCET की। ओके, काउंसलिंग मैं खुद करा दूंगा आपकी। ओके, सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा, सब चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के हर एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। ओके, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों की काउंसलिंग की पिछले साल, उन्होंने आज COEP विजिट या ऐसे कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं। ओके, उनका इंटरव्यू भी मैं लाने वाला हूँ। ओके, यार पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वेटेज। ओके, उसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला आपका टॉपिक आता है मेजरमेंट्स। ओके, मेजरमेंट का आपका वेटेज है 2%। 2% मतलब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, दूसरा चीज़ स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर का भी वेटेज 2% का है। ओके, तीसरी चीज़ फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड लिक्विड, इसका भी वेटेज 2% है सिर्फ। चौथी चीज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यहाँ पे वेटेज 2% दिया है, लेकिन वो वैरी करता रहता है यार, कभी कभी दो सवाल आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ओके, तीसरा नेक्स्ट टॉपिक है रेऑप्टिक्स। रेऑप्टिक्स से 4% का वेटेज है और इसको मैं कहता हूँ कि ज़्यादा वेटेज दो, क्योंकि अगर आपने रेऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ लिया तो ऑप्टिक्स आपका पूरा खत्म हो जाता है। ओके, बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ऑप्टिक्स की, वो सब कवर हो जाती है रेऑप्टिक्स में। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। ओके, मैग्नेटिज्म का वेटेज 4% है। अभी आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिज्म इतना बड़ा टॉपिक है फिर भी उसका वेटेज 2% है, क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रिक करंट का, उसका वेटेज उन्होंने 4% कर दिया और मैग्नेटिज्म का 2% किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स। फोर्सेस पे 2% का वेटेज है यार, ज़्यादा फोकस भी मत करो, फोर्सेस अगर आपसे छूट गया होगा तो मत पढ़ो। ओके, सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6% इसका वेटेज है। ओके, सर्कुलर मोशन को अच्छे से करके जाना, पूरा सर्कुलर मोशन फॉर्मूला बेस है, ओनली फॉर्मूला बेस है। ओके, नेक्स्ट है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को भी 6% वेटेज है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर सर्कुलर मोशन आ गया तो ग्रेविटेशन मोशन आ जाता है आपको, बहुत टॉपिक सिमिलर है, ठीक है। जैसे सर्कुलर मोशन में आपको जो कांस्टेंट निकालना होता है, वही ग्रेविटेशन में भी आपको कांस्टेंट निकालना होता है, सब चीज़ें सेम है, तो इसीलिए सर्कुलर अच्छे से पढ़ लो, ग्रेविटेशन अपने आप अच्छे से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है यार, वेटेज मतलब इसका 8% वेटेज है। ओके, 8% मतलब बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। ओके, आपके 100% फिजिक्स का 8% कवर करता है सिर्फ रोटेशनल मोशन, तो अगर आपने पढ़ा नहीं होगा अभी तक तो आज से ही पढ़ने लग जाओ यार, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 6 से 7 दिन आपको कंटिन्यूस बैठ के करना पड़ेगा रोटेशनल मोशन। ओके, बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उसमें। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेशन। सेम रोटेशनल मोशन जैसा ही, अगर आपको रोटेशनल अच्छे से आ गया, ऑसिलेशन आपको अच्छे से आ जाएगा, वेटेज है दोनों का 8-8%। ओके, बहुत हेवियर चैप्टर से, सबसे अभी तक मैंने जितने टॉपिक्स बताए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ऑसिलेशन है। ओके, ये मतलब सब मिला के 8, 8, 16 और जो 12 होते हैं वो कितने होते, 28% आपका यही कवर कर ले जाते हैं ये 4 टॉपिक्स। ओके, तो इन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी सिर्फ 2% के लिए आता है, ज़्यादा फोकस नहीं भी किया, अगर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं उसमें। ओके, सरफेस टेंशन आपका 4% के लिए आता है, अच्छे से करो सरफेस टेंशन। वेव मोशन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, 4% आता है, अगर छोड़ भी दिया अभी तो भी चल जाएगा, क्योंकि अभी लास्ट मोमेंट आपका है MHTCET का। ओके, छोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छोड़ दो, ऊपर से सिर्फ चीज़ें को देख लेना है आपको। नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स, वही वेव्स मोशन अगर आपने किया तो स्टेशनरी वेव्स आराम से आ जाएगा आपको, 8% वेटेज है स्टेशनरी वेव्स को। ओके, काइनेटिक थ्योरी बहुत सिंपल टॉपिक है यार, 6% वेटेज है, आपको करना ही करना है, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक मिला के उन्होंने 6% का वेटेज दिया है और आपको करना ही करना है। ओके, कुछ भी हो जाए आपको काइनेटिक थ्योरी करनी है।
वेव थ्योरी आपकी मर्जी है, करनी हो तो कर सकते हो, 6% वेटेज है लेकिन उसके लिए, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आता है, आपको टाइम देना पड़ता है उसके लिए, ओके, इसीलिए थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो उसको। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वही यार वेव्स में ही आता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन को आपका 4% वेटेज है, ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका 4% वेटेज है, आसान टॉपिक है, सबसे मतलब 12th का फर्स्ट टॉपिक होता है इसलिए सब लोग पढ़ते हैं, तो आपने भी पढ़ा होगा मुझे पता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक को आपको अच्छे से करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना ही करना है, 4% वेटेज है, ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th का। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने बता दिया, मतलब 4% पहले ही मैंने इसके बारे में क्लियर कर दिया। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 6% वेटेज है, ओके। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स को आपका 4% वेटेज है। उसके बाद आता है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, उसको 6% वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, जो एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले से ही पढ़ के रखी होती है इसलिए आपको आसान जाती है चीज़ें। उसके बाद हमारा आता है सेमी कंडक्टर्स 4% के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम 2% के लिए, ये एग्जाम के 2-3 दिन पहले भी पढ़े तो भी चल जाएगा, ओके, एग्जाम के 2-3 दिन पहले भी पढ़े तो भी ये टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। मैंने खुद एग्जाम के 2 दिन पहले सेमीकंडक्टर्स पढ़ा था, फिर भी मुझे वो क्वेश्चंस राइट आ गए थे मेरे, ओके। कम्युनिकेशन सिस्टम और सेमीकंडक्टर आखिरी में छोड़ दो आप, बाकी जितने टॉपिक्स है वो पढ़ने के लिए ट्राई करो, उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वो अभी हम डिस्कस करते हैं, ओके। तो फर्स्ट पहले से जाते हैं हम, सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 4% वेटेज है, आपको करना ही करना है, जो मैं टॉपिक्स अभी बोल रहा हूँ वो आपको मस्ट है, ओके, करने ही करने हैं, एनी हाउ कंडीशन आपको ये टॉपिक्स करने, ओके। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन, करना ही है आपको। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद ऑसिलेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आपका स्टेशनरी वेव्स आपको करना पड़ेगा, ओके। काइनेटिक थ्योरी मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको एनी हाउ कंडीशन आपको थ्योरी आपको करना ही करना है, ओके। उसके बाद इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बोलूंगा कि कर लो वो टॉपिक, क्योंकि सिर्फ डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और थोड़े बहुत कांस्टेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको आ जाते हैं उसमें, ओके। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और आपका मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम्स, न्यूक्लियाई, ओके, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, तो ये सब टॉपिक्स आपको करने हैं। मैंने जितने अभी टॉपिक्स बताए उतने तो आपको कम से कम करने ही करने हैं, अगर वो मिस कर दिया आपने तो आप फिजिक्स में 45+ स्कोर नहीं कर सकते, ओके। तो आई होप आपने सब चीज़ें नोट की होगी, ओके, मैंने सबसे पहले ही बोल दिया था कि सब चीज़ें आपको नोट करनी है, नोट करोगे तो ही आपको बेनिफिट होगा, ओके। बहुत लोगों से मिस हो गया होगा, कुछ नहीं, ये सारे स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए, ऐसे ही मैं डालता रहता हूँ, सब चीज़ों के लिए वीडियो नहीं बनाता यार मैं, जो कुछ छोटी छोटी बातें होती है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता हूँ, ओके। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो दोनों चीज़ों को, व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को, आप अपडेटेड रहोगे यार उन चीज़ों की वजह से, ओके। और कोई फालतू चीज़ें नहीं होती, ठीक है, कोई फालतू अपडेट्स नहीं डालता मैं, ओके, जो भी पढ़ाई की होती है चीज़ें यार वही मैं डालने की कोशिश करता हूँ, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स के ऊपर बात करेंगे, फिर बायोलॉजी के ऊपर हम बात करने वाले, ओके, सारे सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले, सिर्फ आपको चैनल पे बने रहना है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे यार आपके दोस्तों के, उनमें शेयर करो वीडियोस को, उनको भी फायदा होना चाहिए यार, ऐसा कभी मत कंसीडर करना कि उनको फायदा हो जाएगा तो वो अपने से आगे निकल जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं होता यार, कर्मा का नाम आपने सुना होगा, ओके, जो ज़्यादा दूसरों की भलाई करता है, ओके, उसको हमेशा कुछ ना कुछ उसकी साइड ज़्यादा मिलती ही मिलती है उसको, ओके। प्लीज़ सजेस्ट करो अपने दोस्तों को ये वीडियो देखने के लिए, ओके, उनका भी फायदा होना चाहिए, कोई बकवास नहीं किया, एक सेकंड मैंने इंपॉर्टेंट ही बोला है पूरे वीडियो में, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर नए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ओके, सब में अपडेट्स आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।